हमीरपुर से 3 बार सांसद रहे सुरेश चंदेल की बेटी रश्मि चंदेल बतौर न्यायाधीश अब झारखंड न्यायिक सेवा में अपनी सेवाएं देंगी। पत्रकारों से बातचीत कर रश्मि चंदेल ने बताया कि सबसे पहले वे अपने माता पिता का धन्यवाद करती है जिन्होंने हर पल उसका साथ दिया। काफी निराशाओं के बाद भी परिवार ने मुझ पर भरोसा रखा और हमेशा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमीरपुर से 3 बार सांसद रहे सुरेश चंदेल की बेटी रश्मि चंदेल बतौर न्यायाधीश अब झारखंड न्यायिक सेवा में अपनी सेवाएं देंगी। पत्रकारों से बातचीत कर रश्मि चंदेल ने बताया कि सबसे पहले वे अपने माता पिता का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने हर पल उनका साथ दिया है। काफी निराशाओं के बाद भी परिवार ने मुझ पर भरोसा रखा और हमेशा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। रश्मि ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयास करती रही लेकिन काफी परिश्रम करने के बाद आज जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने खास तौर पर राहुल यादव एवं कृष्णा मुंजाल और पंजाब विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने हर्ष में बेहतर शिक्षा प्रदान की। उन्होंने भविष्य में न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में तैयार हो रहे छात्रों को संदेश दिया कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और जो भी परिस्थिति आए अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती हैं और उनकी हर बात को धारण करने का प्रयास करती हैं। रश्मि के पिता और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने इसे रश्मि की मेहनत बताते हुए कहा कि वे अपनी बेटी पर उन्हें गर्व है। रश्मि की माता अनीता चंदेल ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी शुभ चिंतकों का आभार प्रकट किया है। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कल झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक परीक्षा में मैं सफल हुई हूँ। पिछले कल ही मेरा परिणाम आया है और उसमें मैं उत्तीर्ण हुई हूँ और मुझे झारखंड में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं ईश्वर के धन्यवादी हूँ और उसके बाद मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरे भाई और मेरे भाभी, मेरे पूरे परिवार का श्रेय है। उसके उपरांत मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट आदरणीय राहुल यादव सर जी का और आदरणीय कृष्णा मुंजाल सर जी का, आनंद सर जी का और सारी फैकल्टी ऑफ राहुल आईएएस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भविष्य में जो भी इस न्यायिक सेवाओं में जो भी अभ्यर्थी न्यायिक सेवा की परीक्षा में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो निरंतर प्रयास करते रहें क्योंकि असफलताएं आपके रास्ते में बहुत आएंगी लेकिन आप असफलताओं से डरिएगा मत और निरंतर प्रयासरत रहिए और सफलता आपके कदम एक दिन निश्चय ही चूमेगी। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस सफलता में मेरा साथ देने के लिए, मेरी खुशी में मेरा साथ देने के लिए। ईश्वर की असीम कृपा से और हमारे सभी शुभचिंतकों की शुभकामनाओं से आज ये अवसर आया है कि हमारी बेटी ने जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम पास किया है। बेटी शुरू से बहुत ही जीवट, पढ़ाई में तेज और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा समर्पित दिखती रही जिसका परिणाम था कि आज उसने वो मुकाम हासिल किया है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य के लिए और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।